सिटी राइड चेक करेंगे क्योंकि सिटी राइड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और टूरिस्ट आप देख सकते हो, जैसे कि टूरिस्ट बहुत सारे है। देखो टेक्निकल रिव्यू सब देते हैं, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जैसे ये देखिए वाटरफॉल, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट व्यूज एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। तो एक इसमें लेते हैं अपन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस अक्षय। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो गाइस, जैसे आप सबको पता है हमारा मॉनसून सीरीज चल रहा था, बट पिछले कुछ दिनों से पुणे में बारिश नहीं थी, बट गेस व्हाट, मॉनसून इज बैक, वापस बारिश स्टार्ट हो चुकी है। एंड और एक सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है वो आपको टाइटल में तो समझ में आया ही होगा, बट हम आज हिमालयन स्क्रैम रॉयल एनफील्ड की न्यू बाइक 411 स्क्रैम 411 जो कि 411 सीसी की है, उसको हम टेस्ट करने वाले हैं पुणे मुंबई जो पुराना हाईवे उसके साथ, प्लस हम वहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करेंगे लोनावला में, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस बाइक का सारे डिटेल्स मिलेगा, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि इस बाइक की क्या क्या खूबी है वो देखने के लिए। राइड बहुत सुपर होने वाली है, बट ये वीडियो अगर आप चैनल में न्यू हो तो एंड तक सही से देखना, मॉनसून की सीरीज है, प्लेलिस्ट है वो जाके जरूर देखना, और चैनल में न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते आगे, आज की जो हमें राइड होने वाली है वो होने वाली है स्क्रैम पे। So here's the bike जिसपे हम अभी जाने वाले राइड पे हमारे। So guys all set to go, टाइम है 11:20, फ्यूल टैंक यहाँ पे है, तो चेक करते हैं अपन कितना फ्यूल लगेगा। एंड रोड तो लोनावला का सभी को पता है, बट जस्ट अभी हल्की सी बारिश हो चुकी है और धूप है थोड़ी थोड़ी। सिटी राइड चेक करेंगे क्योंकि सिटी राइड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एक एक बात आपको बताएंगे कि ये गाड़ी, आप जैसे एनफील्ड ने दावा किया है कि सिटी में भी चल सकती है, हाईवे पे तो मक्खन चलेगी, तो दोनों का डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ ट्रैफिक है तो सिटी टेस्ट आपने मिल जाएगा। सो बेस्ट पार्ट, इसका थोड़ा सा हाइट मतलब सूटेबल कर दिया, अभी आई एम 5'9" तो मेरा पैर मतलब आसानी से, इट्स कम्फर्टेबल फॉर मी। बस अगर आप कंपेयर करोगे क्लासिक या किसी और से तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। हिमालयन से इसका आई गेस 20 mm कम है, सो हिमालयन की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसे कि 5'5" के नीचे लोगों के लिए वो दिक्कत होती थी, बट इसमें इतनी नहीं है। और सिटी में भी ये कंफर्टेबल, लाइक इट्स क्वाइट ईजी टू टेक ऑन एंड ऑफ। सो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ से मैं चला रहा हूँ, सो इट्स क्वाइट ईजी फॉर मी टू गेट आउट एंड ड्राइव माई बाइक ईजिली इन द ट्रैफिक। एंड बेस्ट पार्ट, इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आप लाइक छोटे जो कट्स होते हैं वो ईजिली आप टेक निकाल सकते हो आपकी गाड़ी, एंड फ्लेक्सीबल टू मूव। सो सिटी में भी काफ़ी अच्छी है, मतलब जितना मैंने बोला है, बट अभी जस्ट 1 किलोमीटर हुआ है तो मैं अभी पूरा सिटी क्रॉस करना है मुझे, ऑलमोस्ट लाइक 25 से 30 किलोमीटर आगे जाके फिर मुझे लगेगा हाईवे, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर जाना है, तो 35 किलोमीटर में पूरा अंदाज़ा आ जाएगा कैसे चल रही है बाइक। यार सिटी में बहुत मक्खन चल रही है यार ये बाइक। नाउ इन पीसीएमसी, सो पुणे से पीसीएमसी से होके देव रोड जाना होता है फॉर ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे, लाइक जो पुणे में उनको तो पता है, बट पुणे के बाहर के लोग बहुत सारे जो लोनावला जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये रूट है जहाँ से आप जा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट है, जैसे आप दापोड़ी छोड़ते हो तो ये रोड जो है वो सेपरेट रोड है टूवर्ड्स निगरी, लाइक बीच में से आप डायरेक्टली निगरी तक जा सकते हो। ट्रैफिक हल्की सी होती है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं मतलब ऐसा ट्रैफिक जाम बहुत रेयरली होता है, बट आज बारिश नहीं है। एंड दिस बाइक इज लाइक आई एम इन लव विद दिस बाइक, बिकॉज यार देखो छोटे छोटे गैप्स में भी निकलना बहुत ईजी है इस बाइक से, एंड सिग्नल पे इट्स गेटिंग अट्रैक्शन, लाइक बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जैसे कि हिमालयन और इसका थोड़ा सा डिफरेंस है शेप में, बट बहुत सारे लोगों का ध्यान जा रहा है इस बाइक पर भी।
डेजर्ट क्रॉस किया तड़ेगा और यहाँ से लाइक मौसम अभी बारिश जैसे होने लग गया है, जैसे अब लोनावला के नज़दीक जाता है ना बारिश का मौसम स्टार्ट होता है। एंड दिस बाइक इज बीन सुपर इम्प्रेसिव, लाइक देखिए जो हाइट मिल रही है मुझे, जो लोगों का मतलब एक जो सपोर्ट मिल रहा है बाइक चलाने में एक हाइट से, वो छोटे छोटे खड्डे ना नाके बराबर है इस पर। सस्पेंशन आर क्वाइट गुड, सुपर। देखो टेक्निकल रिव्यू सब देते हैं, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जैसे मतलब बहुत सारे लोग अपने होते हैं कि यार बाइक दिल से चलाते हैं, मतलब टेक्निकल चीज़ें तो होती रहती है कि दिल सस्पेंशन दैट सस्पेंशन वो बहुत ज़रूरी है, बट जो दिल से जो रिव्यू आता है ना वो आज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मेरे को फील कैसे आ रहा है। जब फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रॉप करके निकल रहा हूँ तो इट्स गिविंग मी क्वाइट गुड स्पेस, गुड कंफर्ट, एंड मेन पार्ट जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो मुझे मिल रही है। अब एक्चुअल राइड का मजा चालू हो गया, 70, 80, 90 और ये टर्न्स। तो टर्न्स पे मुझे खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, जिसकी वजह से मैं शार्प टर्न्स लेना ये करता हूँ, लाइक कतराता हूँ। बट अब देख सकते हो जैसे कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, और ये देखो जब मैं निकला था तब भी ये 3 ये थे स्टिक्स थी, अभी भी 3 स्टिक्स है, मतलब एवरेज भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो हम चेक करते हैं इसको, तो 101 किलोमीटर सो मैंने स्टार्ट किया था, तब था 50, तब 101 मतलब 51 किलोमीटर हुए है। तो जिसका कंपनी एवरेज जो कंपनी ने बोला है विच इज़ 38, भाई कुछ तो इज्जत कर, टू व्हीलर है। ये देखो इररिस्पॉन्सिबल बाइकिंग, ट्रिपलिंग, हाथ पकड़ के दूसरा बंदा बैठा है, वाह। अभी हम पहुंच चुके हैं लोनावला में, टाइम है 12:56। तो हम बहुत जगह रुकते रुकते आए, 1 hour 30 minutes हमें लग गए, ऑलमोस्ट लाइक 85 किलोमीटर्स के लिए। स्टिल फ्रेश ऐसा लग रहा है, जस्ट राइड स्टार्ट की है। एंड रुके इसलिए थे क्योंकि अपना इंस्टाग्राम भी ज़रूरी है, तो अगर कोई इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करता तो नीचे जो इंस्टाग्राम आई डी दिया है उस पर जाकर फॉलो करिए, उसमें आपको बहुत सारे अपडेट इसके पहले मिलेंगे। बट यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है इन डिटेल, वहाँ पे आपको एक और थ्रू देखने मिलेगा। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम, एंड लोनावला तक अभी बाइक राइड ये है। तो मॉनसून तो नहीं है, बारिश बिल्कुल नहीं लगी, एक दो जगह पे थोड़ी थोड़ी बारिश थी, वो भी बस एक 300-400 मीटर का स्पैच था। अभी हम लोनावला में, तो यहाँ से ही थोड़ा दूर जाना है जहाँ से हम पहुँचेंगे अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। मैं कुछ ऑफ रोड देख रहा था तो यहाँ पे मैंने बाइक चलाई, वॉज गुड एक्सपीरियंस, थोड़ा मज़ा आया, बट काश कोई होता साथ में क्लिक करने के लिए। मॉनसून में पहली बार ये रोड में इतना खाली देख रहा हूँ, उसका रीज़न भी ऐसे है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है लोनावला में, बस हल्की सी ड्रिजल आके जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे वाटरफॉल जो है ऑलमोस्ट सूखने के लिए आए हैं। बुशी डैम पे भी फ्लो परसों बहुत कम था, शायद से आज बंद भी हो चुका होगा, बट वहाँ पे कैसे एक बार डैम भर जाता है तो थोड़ा भी बारिश हो गया 15-20 मिनट के लिए अच्छा खासा, तो वाटर फ्लो आता है, वो स्टेप्स के ऊपर से पानी आता है। सो मॉनसून में लोनावला का ट्रैफिक जाम होना बनता ही है, तो ये हल्का सा ट्रैफिक है, मतलब लोग है, बट जो सैटरडे संडे पे यहाँ पे क्रेज़ होता है ना वो क्रेज़ नहीं है, ज़्यादा करके मुंबई का क्राउड दिख रहा है। सो होपफुली अगले एक दो हफ्ते में, बारिश का बोला है अभी है, इस हफ्ते में तो बोला है कि बारिश काफ़ी तेज़ होगी तो वापस पानी फ्लो बढ़ सकता है, बट क्राउड अब देख सकते हो, ये मोस्टली ऐसा पब्लिक रहेगा जो कोई स्टे करने के लिए आया होगा लोनावला में वीकेंड पे। अभी ना हमने जस्ट खंडाला क्रॉस किया है, बट देखो यार बारिश बिल्कुल भी नहीं है खंडाला में भी, तो मुझे जाना है उस पॉइंट तक जहाँ से वो नीचे एक्सप्रेस वे दिखता है, वो ब्रिज पे जाके अपन रुकेंगे, वहाँ से एक्सप्रेस वे का व्यू लेंगे, क्योंकि वहाँ से हमेशा रुकता ही रुकता हूँ। तो उस पॉइंट के लिए आपको लोनावला क्रॉस करके खंडाला क्रॉस करके फिर आगे आना पड़ता है, फिर ये पॉइंट लगे यहाँ से नीचे पे हाईवे दिखता है, बट आगे वाला स्पॉट जो है वो काफ़ी ऑसम है, लाइक इट्स सुपर्ब। बट अपन क्या करते हैं यहाँ पे रुक के ये वाला स्पॉट देख लेते पहले। हम लोग खंडाला घाट के टॉप व्यू पॉइंट पे है और यहाँ पे अपनी स्क्रैम खड़ी है, और ये देखिए यहाँ से क्या व्यू आ रहा है इस प्लेस का, लाइक ये देखिए वाटरफॉल, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट व्यूज एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन खंडाला घाट, जहाँ से आपको ये वाटरफॉल दिखता है।
गाइस इस तरफ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, लाइक मुंबई के सारे टूरिस्ट जो आए हैं यहीं पे रुके हैं क्योंकि उनको बहुत बढ़िया स्पॉट मिला है, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। और उस तरफ जो वाटरफॉल दिख रहा है ना वो तो क्लास ही क्लास है, लाइक सुपर ऑसम। शायद से दो दिन पहले बारिश हो चुकी है, आई वॉज रॉन्ग, तो या फिर वो वाटरफॉल का पता नहीं, बट रोड तो सूखे जितना मुझे अपडेट है। मैं भूसी डैम से हमेशा अपडेट लेते रहता हूँ क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अपने जो कमेंट करके पूछते हैं कि भाई बारिश हो रही है नहीं हो रही है, तो उनके लिए मैं हमेशा फ़ोन करके पूछता हूँ और वो लोग मुझे अपडेट दे देते हैं कि यार बारिश है नहीं है। फाइनली जो पार्ट बचा था घाट रोड, सो जैसे आप खंडाला क्रॉस करते हो उतरते तो खोपोली, तो खोपोली का घाट लगता है जिसको ओल्ड खंडाला घाट ऐसे बोला जाता है। तो ये तो नया रोड है, अपन जैसे ही एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा कट लेके नीचे की तरफ जाएंगे वो घाट स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, आज की राइड बहुत सुपर हुई है, मतलब चल रही है और भी, एंड रोड और ये गाड़ी लाइक ब्रेड एंड बटर बोलते हो ना आप, एक साथ चल रहा है। और एक चीज़ गाइस, इसका मतलब जो रोड पे जो प्रेजेंस है, रोड बिल्कुल नहीं छोड़ती यार ये गाड़ी। और इसके टायर्स भी जो बटन टायर्स दिए हैं उसकी वजह से गाड़ी की जो मतलब स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन रही है। तो इधर से नीचे ये देखिए, ये क्या खूबसूरत है, पेड़ झाड़ी झाड़ी, मज़े मज़े भाई, मज़े ही मज़े। और यहाँ पे मुझे याद है मैं हमेशा कार से आता हूँ, बाइक जब मुंबई से आता है ना तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही रोड है जहाँ से आप मुंबई जा सकते हो। बट ट्रस्ट मी गाइस, श्रावण में अगर आप बाइक चला रहे हो ना, ये देखिए लेयर्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक नियॉन ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, बीच में अपना भगवा फड़क रहा है, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये खिंड है जो मराठी में से खिंड बोलते हैं, तो पास हुए जैसे अपन बोलते हैं जिधर से दो मतलब दो माउंटेन के बीच में से रोड कट करके बनाया जाता है। तो ये पुराना घाट था, इतना छोटा था, अभी बहुत बड़ा बना दिया, डबल वे बना दिया। लाइक आप अगर 15-20 सालों पहले का बोलोगे तो ये सिंगल रोड था जहाँ से दोनों जगह से गाड़ियाँ आती जाती थी, और अगर कुछ हो गया बाई चांस कुछ हो गया तो 20-20 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता था। ये देखो बारिश में भी क्या मक्खन चल रही है, बस एक दिक्कत है कि अगर आप मॉनसून राइड कर रहे हो ना तो नीचे की तरफ आपको एक कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं क्योंकि नहीं तो पूरा पानी आपके पैर के ऊपर आएगा, शूज़ के ऊपर आएगा, इट्स मेकिंग माई शूज़ वेट। ये एक माइनस पॉइंट है, शायद से रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स पे आपको वो लगाना पड़ता ही है मॉनसून में, बहुत सारी बाइक्स पे। लोनावला में ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है, एंड जब मैं वापस आ रहा था बहुत तेज़ बारिश लगी, बट कैमरा बैटरी खत्म हो गई थी जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एवरेज मुझे मिला है इस राइड में वो है अराउंड 30-32, विच इज क्वाइट गुड। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट करके जरूर पूछना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।